किसी की दुनिया उजाड़ कर घर तुम अपना बसा रहे हो, फिर से वक्त तुम्हारा भी आएगा। इधर देखो ना पीछे, वक्त तुम्हारा भी आएगा, बस तुम इतिहास दोहरा रहे हो। छोड़ दो मुझे, यकीनन जिंदा तो है वो, यकीनन जिंदा तो है वो, लेकिन मेरे में मुझ में कहीं मर गया है वो। कौन है यार? सपने सजा कर बिछ राह में भाग गया वो, सपने तो तुम सजा रहे हो, जिंदा तो है वो कहीं, लेकिन मुझ में मर गया। आएगी आएगी मतलब काफी दर्द सारी में। जिसने जल्दबाजी में शादी कर ली उसने कौन सी, एक मिनट यार, तुम लोग है ना बहुत सही एडिटिंग नहीं करते हो, सही एडिटिंग नहीं करते हो, हैं करेंगे राखी, मतलब कैसे राखी मत किया करो ऐसा, सब छाप देते ऐसे। राखी जी इतना अच्छी शायरी आप कहाँ से बोल ले रहे हो? जिसने जल्दबाजी में शादी कर ली उसने अपनी जिंदगी छंड कर ली, और जिसने सोच समझ के शादी करी उसने कौन सा तीर मार ली। सही बात है, उसने भी झंड कर ली। हाजी आंटी, आंटी के साथ एक फोटो फोटो एक पोस ले लो आप मेरे फोटो फोटो ओके आप मिले मौके पे। हाँ जी मैं गाना गाऊं, कंडी मत खड़काओ राजा, अंदर आओ राजा, कैसा लग रहा है आंटी गाना? गाना है, है ना, देखो कितना अच्छा गाना है, क्या यही गाना है हां, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह हाय एवरीवन, ट्रैफिक मत करो प्लीज, चले जाओ आगे। बूढ़ी के साथ फोटो उतार रहे हैं आप? अरे आप बूढ़ी नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है आप। हाँ आप बूढ़ी नहीं है, हिम्मत है आप, बूढ़े वो लोग है जो दूसरों को बूढ़ा कहते हैं ये लोग। हाँ तो हमारा टीवी में फोटो आएगा। हाँ 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 आपका टीवी में आएगा, आप टीवी में होगे आंटी, इंस्टाग्राम पे भी आएगा। कहाँ पे आएगा? इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम पे आएगा, ये नहीं मालूम मालूम बोलो मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे आप आओगे आप, जो वेल्ले है ना सब बैठे रहते हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ स्क्रॉल करते नहीं हैं। अल्लाह तेरे बच्चा तरक्की दे, अल्लाह तेरे नदी बच्चे करे बेटे। शुक्रिया, समझदार है आप, शुक्रिया, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल जी जी, मोहब्बत तो है ना। एक शायरी बोलो, शेर शायरी नहीं आती? हाय मैं बोलूँ आपको? हाँ बोलो ना। चलो एक सेकेंड मैं देखती, कोई मैसेज आया है। लग गई है मुझे किसी की बद्दुआ, यार ये शूट मत करो ना यार, मेरी शायरी शूट करो सर। गई है मुझे किसी की बद्दुआ, वरना वो शख्स मुझसे बिछड़ने वाला नहीं था। वाह वाह अच्छा लगा, क्या शायरी है राखी जी, मजा आ गया। हाँ सीरियस रियली थैंक यू, बिछड़ने वाला नहीं था, बिछड़ गया था फिर क्या उन्हें नहीं चाहिए, फिर से कहिए मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, चाहिए नहीं दूसरा चाहिए, दूसरा तो बहुत है बेटे। ये स्टेशन अगर सही सलामत है तो ट्रेन तो हजार गुजरेगी, हैं खुद का ट्रस्ट सही है ना, और क्या। हाँ किसी के लिए क्यों मर जाना? नहीं बिल्कुल नहीं है ना, जियो किसी के लिए क्यों मरना? आप भी डायवोर्स ही है तो क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं होता,
आप दोबारा शादी कीजिए, कुछ नहीं होता। जब आदमी नहीं नहीं आदमी चार चार कर सकता है, पांच पांच छः छः कर सकता है, औरत दोबारा क्यों नहीं कर सकती? मैं तो करूँगी। भी तीन तीन कर रहे बेटे, कोई बहारत नहीं होगी। हाँ ये चुनते बगाते नहीं नहीं, ये जवानी में औरत है ना डिसीजन ले लेती है अम्मा कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम ये फॉलो करेंगे, और बाद में जब बिचारी उसकी उम्र निकल जाती है तो जीने का कोई सहारा नहीं रहता अम्मा, तो कोई तो सहारा चाहिए ना। देखो उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी बच्ची की पेशकश पथरी पे, पथरी में पत्थर है, बच्ची को कैसा संभाले? पथरी है, पत्थर है, पत्थर है, आप मेरा नंबर ले लो अम्मा, आपका गूगल अभी फोन पे है क्या? मैं आपको अभी पैसा ट्रांसफर करती हूँ। फोन पे है, हो जाएगा, हो जाएगा, राकेश जी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, शाम से जीना, शाम से। हेलो, कौन लो? आप, मैं आपको अभी बच्ची के लिए पैसे ट्रांसफर करती हूँ। गाइज हाँ, नंबर आपको बोलना पड़ेगा। गाइज जितना हो सके बच्ची के पत्री के लिए आप लोग टाइप करें। नंबर बोलिए आपका। 8928547141 141। हाँ हिना, हिना शेख, हिना फरान, हिना फरान शेख, ऐसे डालती हूँ, ठीक है। खुशी हुई मेरे को आज इनको मिलते, वाह 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 वाह, उसके पास कैसा मिले हमारे को मालूम ही नहीं है। बच्ची बोली राखी का होने है, राखी का होने, आप मोदी फिर से तो फिर आ गए। डेढ़ सौ डाल दिया मैंने, 5000 अभी डाला है। ताली बजा यार राखी जी के लिए, सब राखी जी के ताली बजा यार, ताली बजा, ताली बजा भाई जी, ताली डाल दिया अम्मा, डाल दिया, ठीक है। किस दूँ? ओ आप मुझे दो। इसका इलाज कराओ, ये बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, कभी भी है ना मैं तुमको रोज डालती रहूंगी पैसे, ठीक है। इसको पढ़ाओ और अपने आप को अकेले मत समझो, अल्लाह सबका मालिक है, ठीक है। चलो अल्लाह, सही बोली मेरी अम्मा, चलो अम्मा को ले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह। नहीं मैं हमेशा करती हूँ, मैंने मुझे ऐसा अल्लाह ने कहा है, खुदा ने कहा है कि नहीं बोलना चाहिए। मैं तो हार्ट सर्जरी सब करूँगी, फिर मिलेंगे, हार्ट सर्जरी ये सब मैं कराती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है क्या पता दो घंटे के बाद मैं ना रहूँ, तो ये सब पैसा धन दौलत तो ऐसी दुनिया खा जाती है। तो अगर जीते जी कोई नीड़ी है, खुदा है ना, कहते हैं ना दिखता नहीं है लेकिन रूप लेके आता है, और हम अगर उनको नकारात्मक अगर उनको अवॉइड करें, और जब हम ऊपर जाएंगे तो खुदा ने कहा मैं तो ये बच्ची का रूप लेकर आया था, तूने मुझे मदद नहीं किया। मैं तो ये बूढ़ी औरत का रूप लेकर आया था, तूने मेरी मदद नहीं की। मैं तो भिखारी का रूप लेकर आया था, मैं अलग अलग तरीके से आया था, तेरे पास से गुजरा था, तूने देखा कि मैं नीडी हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। जब तूने उसे मदद नहीं किया, जब तू रो रो के मुझसे मदद मांग रही है, तो मैं तेरी मदद क्यों करूं? तो मैं कैंसर हॉस्पिटल, डायबिटीज़ हॉस्पिटल, हर जगह मैं जो कमाती हूँ मेरे परमेश्वर को, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा को दे देती हूँ दिल खोल के, क्योंकि पता नहीं कब हम है कब चले जाएंगे। पुश्तों के लिए मैं पैसे नहीं रखती हूँ, मेरे पैसे मैं पुश्तों के लिए नहीं रखती, सब डोनेशन, इनकी दुआओं से ही मैं आगे बढ़ूंगी। ऊपर जाना है, खाली हाथ जाना है, इसलिए लोगों की मदद, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। मैं यहाँ की बैंक जो है यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करती हूँ, ऊपर वाले की बैंक में मैं फिक्स डिपॉजिट करती हूँ। ऊपर जाके उसकी इंटरव्यू मिलेगी? हाँ जरूर, उनकी जो बैंक बुक है ना ऊपर वाले की, उसमें टिक होता है, इतना डिपॉजिट किया राखी सावंत, इतने इतने टिक
डिपॉजिट किया राखी सावंत उर्फ फातिमा, वो जरूरी है। बहुत अच्छा लगा आपने किसी को मदद कर सकते हो। हाँ मैं उसको हमेशा रोज डालती रहूँगी बहन, रोज डालती रहूँगी, चिंता मत कर, ठीक है। लेकिन इसका इलाज कराना प्लीज। पत्थर बेचारी छोटी सी बच्ची, वो जिंदगी जीना चाहती है, हम तो जी लिए है ना, हम तो जी लिए ना, काफी है। हाँ इसको कोई मारो पकड़। क्या होगा क्या होगा जीना बाकी। चलो एक अच्छी, एक दो अच्छी शायरी हो जाए। जो तन्हाई में रब से सिर्फ तुम्हारी बातें करती थी, तुम नहीं जानते तुमने किस पागल लड़की को खो दिया। वाह वाह वाह, मैं सिर्फ उसके लिए ही दुआ मांगती थी। वाह, और तुम नहीं जानते तुमने किस पागल लड़की को खो दिया। क्या दर्द है आवाज में, थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, एक शेर के लिए कुछ शायरी हो जाए। राखी जी चल चल जाएंगे। तुम निभा नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन तुमने वादे बड़े कमाल के किए थे, है ना। तुम्हें लगता है मैं बहुत दर्द में हूं, आंटी आ रही है क्या पीछे, आप पीछे चलो। नहीं 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 आ रही आंटी। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, जो हो चुका उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र न कर और आज की हंसी को बर्बाद न कर। वाह 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 तो बोलो, वाह वाह तो बोल दो यार, वाह 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 बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम लोग मेरी रोज एक एक शायरी डालो यार, अभी मैं कल चली जाऊंगी दुबई 10 दिन के लिए। दस दिन तक एक एक शायरी। पीछे 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 आ जाओ। नेट खत्म हो गया मेरा। कनेक्ट होगा ना कल का। I'm sorry, जो इतनी सारी सॉरी वंस मोर। चलो आगे पीछे आप जाते रहो, मैं बोलती हूँ। आई एम सॉरी जो इतनी सारी कॉल्स करने के लिए, आई एम सॉरी वो इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस तुझे भेजने के लिए। अब मुझे समझ जाना चाहिए था कि अगर तू जवाब नहीं दे रहा है तो तुझे बात नहीं करनी, पर थैंक यू। हाँ मुझे ये समझाने के लिए कि ज़िंदगी में कभी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि आपकी अपनी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाए। एम आई राइट? वाह वाह मेरी बद्दुआ है तुम्हें, मेरी बद्दुआ है तुम्हें कि तुम लंबी जिंदगी पाओ, लेकिन उस जिंदगी का एक एक लम्हा तुम सिसक सिसक के जियो। तुम मौत मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो।
सब गाइस मैं चलूं अभी हो गया क्या बाकी क्या आप कल दुबई जा रहे हो मैं अब अपने अतीत से नहीं डरती क्योंकि मैं अपने जीवन में उस जगह आ चुकी हूँ वहाँ जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ छोड़ दो कुछ नहीं कहना किसी का दिल मत दुखाओ क्या पता आप कहाँ से हो चलो फिर से एक बार ओके किसी का दिल मत दुखाओ हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी तू क्यों इतना दूर से ले रहा है बीच में क्यों नहीं आ रहा बीच में मुझे सलमान भाई के बारे में पूछने की थोड़ा लुकिया इधर तुमको इधर थोड़ा लुकिया सलमान भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई सलमान भाई के बारे में मुझे पूछने की जब आप जर्नलिस्ट नहीं है जब आप मीडिया से नहीं है आपको किसने अधिकार दिया जाइए जर्नलिज्म सीखिए और जर्नलिज्म का कार्ड लीजिए ये कौन खड़े हैं यहाँ मीडिया तो तुम्हारे पर्सनल मोबाइल में क्या तुम शूट कर रहे हो बंद करो वो प्रश्न सब बंद करो बंद करो प्रश्न सब बंद करो वरना मैंने ना फोन लेके तोड़ डालना है और कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे बिल्कुल नहीं हमारी अच्छाई का फायदा ना उठाए हम शरीफ क्या हुए साले सब बदमाश हो गए जिस दिन बदमाशी पे उतर आई ना मैं फिर क्या होगा तुम शरीफों का और नहीं तो क्या अबे साले तेरी ये अपना ही है ये अपना है अपना है मेरा है मेरा बताती हूँ कल सी ऑफ करने के लिए आऊंगी अच्छा तो हम चलते हैं अब बोलो फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे आधी रात को छोड़ू क्या तुझे आधी रात को मिलेगा कल मिलेंगे एयरपोर्ट पे बाय 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 बाकी जी बाय शायर का तोहफा कबूल कीजिए शायर का तोहफा कबूल किया जी बाय कबूल किया शायर का तोहफा कबूल किया वाह 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 बाय